समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षण मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने 82 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली हैं। तस्वीरें मैं आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय की दिखा रहा हूं कि भारी बारिश के बीच भी लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका यहाँ पर पहुँचना जो है वो शुरू है, क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में रक्षा मंत्रालय का जिम्मा उनके कंधों पर था, और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी है उसमें शोक की लहर है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजकीय शोक 3 दिवसीय घोषित हुआ है और शोक की लहर है राजनीति गलियारों में। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो लगातार जो भारी बारिश है उसके बीच जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शादाब कुरैशी। शादाब जी, ये बताइए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं संरक्षक मुलायम सिंह यादव, आज उनका निधन हो गया है, कुछ ऐसी पुरानी यादें जो आप साझा करना चाह रहे हैं? नाम से दूर से देख के ही पहचान लिया करते थे, बुला लेते थे अपने पास, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पूछते थे। हम हाथ जोड़ के बस इतना कहते थे कि नेताजी बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, और वो सर पे हाथ रख देते थे। एक बार का वाक्या मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो पूछ रहे थे क्या कर रहे हो आजकल, बताया नेताजी मैं डिग्री कर रहा हूँ अपनी, अभी कुछ चाहते हो? बताया नहीं, ट्रेनिंग करना चाहता हूँ एच ए एन में। तुरंत उस समय के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी साहब थे, उन्होंने कहा कि बच्चे की ट्रेनिंग कराइए, और मेरी ट्रेनिंग उन्होंने करा दी। तो हम कैसे उस शख्स को भूल जाएं, कैसे उसको ना याद करें, मतलब हमारा साया चला गया है, आज हम अनाथ हो गए। अभी आपने बताया कि आपके सर पर उनका आशीर्वाद था, हाथ था, अब वो हाथ तो हट गया, नहीं रहे इस दुनिया में, क्या कहेंगे? क्या कहें, अनाथ हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। तो साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें शोक की लहर है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर सबका एक मत से यही कहना था कि भीड़ में भी पहचान लिया करते थे, ऐसी शख्सियत थे मुलायम सिंह यादव। लेकिन अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की तो पिछले काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य की चिंताएं थी उनको, उनका स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं था, कई बार अस्पताल में एडमिट भी हुए लेकिन ठीक होकर वापस लौटे और जोश के साथ वापस लौटे। लेकिन इस बार जब वो एडमिट हुए तो कहीं ना कहीं जो उनका स्वास्थ्य था वो जवाब दे गया था। और तस्वीरें मैं आपको समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर की दिखा रहा हूँ कि बारिश तो तेज़ है, लेकिन इस बीच जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर मैं तस्वीर आपको उनके घर की भी दिखाऊं आवास की, तो समाजवादी पार्टी से चंद कदमों की दूरी पर जो है वो उनका आवास है, और वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा इस वजह से भी कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गुरुग्राम में ही पहुँचे हुए हैं, और अगर अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो 3 दिवसीय जो राजकीय शोक है वो उसका ऐलान कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और साफ तौर पर जो राजनीति गलियारा है उसमें शोक की लहर है। ये वो आवास है मुलायम सिंह यादव का, जहाँ पर कुछ महीनों पहले जो है वो लंबी कतारें लगा करती थी उनसे मिलने वालों की, उनसे उनके शुभचिंतकों की, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारी बारिश है लेकिन उसके बावजूद जो मुलायम सिंह यादव के शुभचिंतक हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुँच रहे हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की और मुलायम सिंह यादव की तो कहा यह जाता है कि उन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा था। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, केंद्र में उन्होंने रक्षा मंत्रालय का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया था, और फैसलों को लेकर लगातार वो जाने जाते रहे हैं कि जिस तरीके से फैसले लिया करते थे उसको लेकर लगातार जो है वो बातें होती रहती थी। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की या शिवपाल सिंह यादव की, तो लगातार जो जब से वो एडमिट थे लोग उनसे मिलने पहुँच रहे थे, बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज जो हैं वो उनसे मिलने पहुँचे, लेकिन आखिरकार आज लगभग 7:45 उन्होंने अंतिम सांस ली है। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है, और उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।